वेलकम टू द रियल्टर्स हब। मैं MS सैनी आज आपको लेके आया हूँ एक ऐसे प्रोजेक्ट में जो कि G+13 बन रहा है और ये बैंग ऑन हाईवे रहेगा। ये रहेगा चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड पे। इसका फ्रंट भी मेन हाईवे पे है और ये 15 एकड़ की सोसाइटी है जो कि IGBC अप्रूव्ड रहेगी और इस सोसाइटी की जो पोजेशन है बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। आइए इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझते हैं। तो हमारे साथ है रालको जी जो हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे। तो कैसे हैं रालको जी आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया जी। तो मुझे ये बताइए आपके यहाँ पे अमेनिटीज़ में आप क्या क्या दे रहे हो? अमेनिटीज़ में सर हमारा क्लब हाउस है। क्लब हाउस हमारा 40,000 स्क्वेयर फीट का है। 40,000 स्क्वेयर फीट तो बहुत बड़ा मतलब क्लब हाउस है आपका, जिसमें कि हम आपको कैफे लाउंज दे रहे हैं। वो आपको सोसाइटी के अंदर ही रहेगा। बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, आपको स्विमिंग पूल, जकूजी, स्पा, आपकी जैसी अमेनिटीज इसमें रहेगी। और भी काफी गेस्ट रूम्स वगैरह भी गेस्ट रूम्स भी रहेंगे बिल्कुल। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। कोई रेस्टोरेंट वगैरह उसके अंदर? हाँ बिल्कुल होएगा सर। ओके, क्लब हाउस में मतलब रेस्टोरेंट तो बहुत कम मिलता है। मिलता है बिल्कुल। ओके ओके, तो इसके अलावा आपकी अगर क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी का मोड क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन का मोड क्या रहेगा? हम MYVAN कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं सर, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कंस्ट्रक्शन में। ये सबसे सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ओके ओके, और अगर मैं सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो कौन से अप्रूवल्स हैं आपके पास? IGBC प्री अप्रूव्ड है सर, प्लेटिनम रेटेड का ये प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी जो हमारे प्रोजेक्ट थे वो गोल्ड रेटेड थे, ये उससे भी एडवांस है, ये प्लेटिनम रेटेड प्रोजेक्ट है हमारा। जी तो दोस्तों IGBC का बता दूं तो उसके अंदर बेनिफिट क्या होता है, काफ़ी एनर्जी है जो जैसे आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कंजप्शन बहुत कम होती है क्योंकि उसके अंदर कंस्ट्रक्शन में हर चीज़ उसी के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल आपके सभी रूम्स के अंदर सनलाइट नेचुरल आपकी आती है और इसके अलावा आपका जो पेंट यूज़ होता है आउटर बिल्डिंग्स का, जो पेंट रहेगा एलिवेशन पे, वो पेंट आपका इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि कम से कम आपकी वॉल्स हीट करें जिससे आपका कम से कम AC चलेगा, तो उससे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो बहुत कम होती है और सेविंग्स आपकी बढ़ जाती है। तो नियर बाय फैसिलिटीज़ में हमारे पास क्या क्या रहेगा? नियर बाय फैसिलिटीज़ में सर पहले तो हमने सोसाइटी के लिए स्पेशल मार्केट बनाई है जिसमें आपको डेली नीड्स का सारा सामान मिल जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके नियर बाय हमारे आ जाते हैं मैकडोनल्ड्स आ जाता है, बर्गर किंग आ जाता है, स्टारबक्स आ जाता है, डीकैथलॉन आ जाता है, डीमार्ट आ जाता है, वो आपके 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। उसके बाद हम हमारी मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, JP हॉस्पिटल हमारे नियर बाय है, फोर्टीज़ हॉस्पिटल नियर बाय है, हमारे मैक्स हॉस्पिटल नियर बाय है, सारे हॉस्पिटल नियर बाय। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे स्कूल्स पे, और स्कूल में हमारे आसपास पे सर सेंट जेवियर है, मानव मंगल है, DPS है, ये 5 से 10 किलोमीटर में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो इसमें लोन का क्या रहेगा जी अपने पास? सर हमारा प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है तो सभी बैंकों से लोन हो जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है ठीक है। और यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग का क्या प्रोविजन है? गाड़ियों की सारी बेसमेंट पार्किंग है सर, कोई ऊपर पार्किंग जो हमने गेस्ट पार्किंग रखी है, बाकी जो आपको पार्किंग मिलेगी जो अलॉटेड पार्किंग होगी वो सारी बेसमेंट में रहेगी आपकी सारी पार्किंग। ठीक है ठीक है। और इसके अलावा जैसे आजकल कार चार्जिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, EV चार्जिंग पॉइंट्स रहेंगे आपको। ओके ओके, वो एज पर जगह अगर आपको रिक्वायर्ड होंगे तो आपको EV चार्जिंग पॉइंट और साथ में आपको वॉशिंग एरिया भी जो है बेसमेंट में दिया हुआ है। कार वॉशिंग आपको सोसाइटी के अंदर ही रहेगा। जी वेरी गुड। और जो सरफेस पार्किंग रहेगी वो कैसे, पेरीफेरी पे रहेगी या जैसे टार्स के नीचे रहेगी? वो पेरीफेरी पे रहेगी। पेरीफेरी पे रहेगी, मतलब ग्रीन जो बेल्ट है वो डिस्टर्ब नहीं होगी? नहीं होगी जी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे बच्चे आपके खेल रहे हैं पार्क के अंदर तो उन तक कोई भी पोल्यूशन नहीं जा रहा, क्योंकि गाड़ियाँ जितनी भी हैं व्हीकुलर जो भी मूवमेंट रहेगी वो आउटर एरिया पे रहेगी, आउटर पेरीफेरी पे रहेगी या फिर बेसमेंट में रहेगी। तो इस सोसाइटी में ग्रीन एरिया कितना रहेगा? सर इस सोसाइटी में हमने 66% जो है वो ग्रीन एरिया छोड़ा हुआ है, जिसमें कि आपके 2 पार्क इंक्लूडिंग है। साथ ही साथ जो हमने ब्लॉक्स के बीच का स्पेस बचता है हमने उसमें भी ग्रीन एरिया मेंटेन किया हुआ है। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा हमने मंदिर भी बनाया हुआ है सोसाइटी में। ओके, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है मंदिर की स्पेशली। जैसे कि 15 एकड़ का प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी सोसाइटी आप बना रहे हो, इतना लग्जरी आपका सेगमेंट है, तो इसमें सिक्योरिटी के लिए आपने क्या क्या रखा है? सिक्योरिटी सर इसमें 3 टाइप सिक्योरिटी रहती है। एक हमारी मेन गेट पे रहती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो सेकंड सिक्योरिटी है, क्योंकि कमर्शियल आ जाता है मेन गेट के बाद, उसके बाद सेकंड हमारा जो रेजिडेंशियल एरिया आता है सेकंड सिक्योरिटी वहाँ रहती है। फिर आ जाते हैं हम ब्लॉक के नीचे, जो ब्लॉक में है आपको जैसे मैंने बताया था 1 फ्लोर पे 4 फ्लैट्स होते हैं, तो बेस ग्राउंड फ्लोर में जो हमारे रहेंगे वो 3 ही फ्लैट्स रहेंगे। एक फ्लैट की जगह पे हमने रिसेप्शन एरिया बनाया हुआ है या मीटिंग एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी।
और अब लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट में कार्ड सिस्टम रहता है, कार्ड से आप किसी भी फ्लोर पे जाना चाहते हो आपके पास कार्ड का एक्सेस होना चाहिए। फिर अगर आप फ्लैट पे पहुंच जाते हो, फ्लैट पे भी हम आपको वीडियो कॉलिंग वाला सिस्टम दे रहे हैं जिसमें कि आपको पहले ही पता होगा कि आपके गेट पे या डोर पे आपके कौन आया हुआ है। तो यहाँ पे कैटेगरीज में क्या क्या है, मतलब जैसे 3 BHK 2 BHK ऐसे क्या कौन सी कैटेगरीज आप लेके आए? इसमें हमारे पास 3 BHK है सर, 3+S है, 4 BHK, 5+S है, 6 BHK तक हमारे पास इसमें है सर। अच्छा, बड़े फ्लैट्स भी हैं? हाँ जी, डुप्लेक्स भी है, पेंट हाउसेज भी हैं सर, सारी चीज़ें सब कुछ मिल जाएगा जी। फुल पैकेज है, मतलब फुल पैकेज है बिल्कुल। तो जितनी भी यहाँ पे कैटेगरीज हैं लाइक 3 BHK, 3+1, 4 BHK, 5 BHK, 6 BHK, इनकी हम अलग से वीडियोज़ लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करते रहिए, तो वन बाय वन आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी, प्रॉपर सैम्पल फ्लैट की वीडियो और एक्चुअल फ्लैट की वीडियो भी हम लेके आएंगे। तो मोर अपडेट्स के लिए भी हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।